औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम लोग नाइन्थ के पेपर्स आप लोगों को पता करीब हैं, तो नाइन्थ के जो फिज़िक्स के गैस पेपर हैं थोड़े से वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। थोड़े से क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने लिखनी है, आप लोगों ने बाकी भी याद करना लेकिन इनको कुछ अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे पहले मैंने तीन पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन के बनाए और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन बनाया, न्यूमेरिकल्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है, डिफाइन फिजिकल एंड ड्राइव क्वांटिटीज। नंबर टू क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है, डिफाइन ड्राइव यूनिट्स एंड राइट इट्स टू एग्जांपल। ड्राइव यूनिट्स लिखनी है और उसकी दो एग्जाम्पल्स आप लोगों ने लिखनी है। डिफाइन प्रीफिक्सेस, डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन, डिफाइन जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। उसके बाद आप लोगों के पास आया था डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन आप लोगों के पास है, डिफरेंस बिटवीन वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज। के वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज लिखने के बाद आप लोगों ने एक दो वेक्टर्स क्वांटिटी लिख देनी है और एक दो स्केलर्स क्वांटिटी लिख देनी है। उसके बाद कहता है डिफाइन स्पीड, राइट इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। सिर्फ स्पीड को डिफाइन नहीं करना आप लोगों ने, उसका एसआई यूनिट भी बताना और उसका फॉर्मूला भी बताना है, तब जाके आप लोगों को दो मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आप लोगों के पास है डिफाइन वेलोसिटी। डिफाइन वेलोसिटी आप लोगों के पास वेलोसिटी को डिफाइन करना और वेलोसिटी भी आप लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन ही लिखनी, इसका फॉर्मूला भी लिखना और इसका एसआई यूनिट भी आप लोगों ने लिखना। उसके बाद आप लोगों के पास आया था डिफाइन एक्सेलरेशन। डिफाइन एक्सेलरेशन में आप लोगों के पास है कि आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है, इसका फॉर्मूला भी लिखना और इसका एसआई यूनिट भी लिखना, फिर आप लोगों के पास दो मार्क्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के पास डिफाइन फोर्स, के फोर्स को डिफाइन करना आप लोगों ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के पास डिफाइन मोमेंटम, राइट इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। के मोमेंटम की डेफिनेशन लिखनी है, उसका एसआई यूनिट लिखना और उसका फॉर्मूला आप लोगों ने करना, एक्सप्लेन करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप लोगों ने डिफाइन करना। उसके बाद आप लोगों के पास मोस्टली आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आता है कि प्रूफ दैट एफ इज इक्वल टू एम ए। बेसिकली ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में से आप लोगों के पास प्रूफ है, प्रूफ दैट एफ इज इक्वल टू एम ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के पास डिफाइन यूनिट ऑफ फोर्स, के यूनिट ऑफ फोर्स के फोर्स का जो यूनिट आप लोगों ने उससे क्या करना है, डिफाइन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के पास डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में डिफरेंस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है रिजिड बॉडी की होती है। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के पास डिफाइन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के पास डिफाइन मास ऑफ अर्थ। आप लोगों ने सिर्फ सॉरी डिफाइन नहीं, फॉर्मूला ऑफ मास ऑफ अर्थ, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखना है मास ऑफ अर्थ का आप लोगों ने। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 24 में डिफाइन सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 25 में डिफाइन वर्क एंड जूल। क्वेश्चन नंबर 26 में टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बेसिकली टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आप लोगों ने सिर्फ लिखनी है। उसके बाद डिफाइन पावर, डिफाइन एटमोस्फेरिक प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। उसके बाद आप लोगों के पास कहता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों के पास डिफाइन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के पास डिफाइन रेडिएशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों के पास डिफाइन कंडक्शन। ये आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने, बाकी भी आप लोगों ने देख लेंगे, इनको जरा था अच्छी तरह कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों के पास आया था लॉन्ग पोर्शन। लॉन्ग के पोर्शन में आप लोगों के पास मैंने 10 क्वेश्चन लिखे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने ये 10 क्वेश्चन नहीं याद करने, बाकी भी देख लेना है, ज्यादा आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों को डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, गिव एग्जांपल। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी बतानी और इनकी एग्जांपल्स भी लाजमी लिखनी है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के पास सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 4 है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के पास डिफाइन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ही लेकिन उसका फॉर्मूला भी ड्राइव करना आप लोगों ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के पास हाइड्रोलिक प्रेस। क्वेश्चन नंबर 7 है यंग्स मॉडुलस। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के पास वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के पास मास ऑफ अर्थ। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के पास सेंट्रीपिटल फोर्स।
ये तो आप लोगों के पास थ्योरी वाले जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनका पोर्शन हो गया। आप लोगों के पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, अब मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चैप्टर वन में जो आप लोगों के पास मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो आप लोग नोट डाउन कर ले, 2 और 6 है। चैप्टर टू में जो आप लोगों के पास न्यूमेरिकल है मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है 1, 2 और 3। चैप्टर थ्री में जो आप लोगों के पास मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो कौन से है आप लोगों के पास, 1, 8 और 4, 1, 8 और 4। क्वेश्चन अगर चैप्टर नंबर 4 में जो आप लोगों के पास न्यूमेरिकल है वो कौन से हैं, 2, 4 और 5। अगर चैप्टर 5 में आप लोगों के पास जो न्यूमेरिकल है वो इंपॉर्टेंट है 1 एंड 3। उसके बाद चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल जो है ज्यादा है मैं उसमें आप लोगों के पास चाह देते हैं 2, 3, 4, 6 और 9, 2, 3, 4, 6 और 9। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में आप लोगों के पास न्यूमेरिकल नंबर 1, 6, 11। उसके बाद चैप्टर 8 में आप लोगों के पास न्यूमेरिकल नंबर आया था 4, 9 और 10। आप लोगों ने बाकी न्यूमेरिकल्स भी अच्छी तरह से कर लेने हैं, ये कुछ ज्यादा से अच्छी तरह से करने हैं। शुक्रिया।